सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, स्वागत है तुहाडा यम तड़का पंजाबी कुकिंग दे विच। अज्ज बनावांगे आपां खोए दीआं बहुत टेस्टी पिन्नियां। तो खोए दीआं पिन्नियां आपां बेसन पा के बनावांगे। इस तरीके नाल पिन्नियां बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होंदियां हन। टेस्टी होण दे नाल नाल इह पिन्नियां बहुत ज़्यादा हैल्दी भी होंदियां हन। इस दिवाली ते तुसीं इह वाले पिन्नियां दी रैसिपी जरूर ट्राई करना। जेकर तुसीं पहली बार मेरे चैनल ते विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल यम तड़का पंजाबी कुकिंग नूं जो सबसक्राइब करो ते नाल लगते बैल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन तुहानू सब तो पहला मिलन। ते आओ बहुत ही टेस्टी खोए ते बेसन दीआं पिन्नियां बनाउण दी रैसिपी शुरू करदे हां। पिन्नियां बनाउण वास्ते सारे समान की तैयारी मैं की हुई है। इत्थे मैं लिया है 500 ग्राम बेसन। बेसन नूं मैं छाण के लिया है। तुसीं इह पिन्नियां आटा पा के भी बना सकते हो। तो 1 किलो इत्थे मैं खोया लिया है। खोए नूं मैं चंगी तरह इस तरीके नाल कद्दूकस कर लिया है ताकि डलियां ना रह जाण। ते जिहड़ा खोया है इह मैं रेडीमेड यूज़ किया है। तुसीं इहनूं घर विच बना के भी तैयार कर सकते हो। 450 ग्राम इत्थे मैं बूरा खंड लई है। बाजार तो बहुत आसानी नाल ही मिल जाती है। जे तुसीं मिठा ज़्यादा खाते हो तुसीं इत्थे 500 ग्राम बूरा खंड लै सकते हो। 400 ग्राम इत्थे मैं देसी घ्यो लिया है। देसी घ्यो विच आपां बेसन नूं भुन्नांगे। पिन्नियां नूं होर भी ज़्यादा हैल्दी बनाउण वास्ते इत्थे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स लै हन। बदाम मैं इस तरीके नाल छोटे पीसां विच कट लै हन। थोड़े जिहे काजू भी मैं इस तरीके नाल छोटे पीसां विच कट लै हन। 2 चम्मच पिस्ता भी मैं बरीक कट लिया है। थोड़ी जी ठूठी यानी कि सुक्का नारियल मैं इस तरीके नाल बिल्कुल बरीक कट लिया है। तुसीं अपनी मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इहदे विच पा सकते हो। हुण मैं गैस के उपर एक वड्डी कढ़ाई रखी है। इहदे विच आपां देसी घ्यो पा देवांगे। 2 चम्मच हले मैं देसी घ्यो दे रख लवांगी। इह आपां जरूरत पैण ते यूज़ कर लवांगे। घ्यो हुण गर्म हो गया है। इहदे विच आपां बेसन पा देवांगे। ते बेसन नूं आपां लाइट जां गोल्डन होण तक चंगी तरह इस घ्यो दे विच भुन्न लवांगे। तुसीं बेसन की जगह पर इत्थे कणक का आटा भी यूज़ कर सकते हो। बेसन नूं लगातार हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भुन लवेंगे। हाले ये घ्यो घट लग रहा है। बेसन नूं भुनण विच बहुत मुश्किल हो रही है तो बचा हुआ घ्यो भी आपां इहदे विच पा देवांगे। 2 चम्मच मैं घ्यो दे बचाए सी उह भी मैं इहदे विच पा दिता है। घ्यो पा के लगातार आपां मीडियम फ्लेम पर बेसन नूं भुन लवेंगे। बेसन नूं आपां लाइट जां गोल्डन होण तक चंगी तरह भुनांगे। कच्चापन बेसन का बिल्कुल खत्म होना चाहिए है। जिदा जिदा बेसन नूं भुनदे जावांगे बेसन पतला होना शुरू हो जाएगा तो घ्यो छड्डना शुरू कर देगा। बेसन हुण चंगी तरह गर्म हो गया है। बेसन हुण पहलां नूं पतला होना शुरू हो गया है तो बेसन ने हुण घ्यो छड्डना भी शुरू करता है। तुसीं देख सकते हो हले आपां इहनूं चंगी तरह होर भुन लवेंगे। लाइट जां गोल्डन कलर आउण तक भुनांगे। बेसन नूं मैं लगातार इस तरीके नाल भुन्निया है। तुसीं देख सकते हो बेसन काफ़ी पतला हो गया है। कलर भी हुण जिहड़ा चेंज होना शुरू हो गया है। बेसन नूं मैं लगातार 20 मिनट इस तरह भुन्निया है। तो गैस नूं जिहड़ा है मैं बिल्कुल मीडियम रखिया सीगा। कलर तुसीं देख सकते हो इस तरह का लाइट जां गोल्डन हो गया है। 5 मिनट मैं बेसन नूं होर भुन्निया। तुसीं देख सकते हो खुशबू आनी शुरू हो गई। कलर बहुत ही वधिया आ गया है। तो हुण इहदे विच आपां जिहड़े कट्टे हुए ड्राई फ्रूट सीगे उह पा देवांगे। ड्राई कोकोनट यानी कि खोपरा जिहड़ा कट के रखा सी उह हले इहदे विच मैं नहीं पाया। वह जल्दी ही जिहड़ा है रोस्ट हो जाता है। उहदा कलर जल्दी चेंज हो जाता है। बाकी के ड्राई फ्रूट्स आपां 5 मिनट इस तरीके नाल भुन लवेंगे। ड्राई फ्रूट्स नूं इस तरीके नाल मीडियम फ्लेम पर भुन लवेंगे। इस तरीके नाल इहदा कच्चापन खत्म हो जाएगा। तो हुण इहदे विच आपां ड्राई कोकोनट जिहड़ा सी उह भी पा देवांगे। हल्का जिहा बस इहनां नूं 30 सैकेंड वास्ते भुनांगे। बेसन बहुत ही वधिया भुज के तैयार होया है। कलर बहुत ज़्यादा वधिया आया है। इस तो ज़्यादा आपां इहनूं होर नहीं पकावांगे। हुण इहदे विच आपां जिहड़ा खोया सी उह भी पा देवांगे। ते खोए नूं आपां हुण बेसन दे नाल चंगी तरह मिक्स करांगे। फ्लेम नूं आपां इत्थे मीडियम ही रखना है। ते लगातार आपां हिलाउंदे हुए मिक्स कर लवांगे। ते खोया पा के खोए नूं बेसन नाल चंगी तरह भुन्नांगे ताकि जिहड़ा खोए दा कच्चापन है खत्म हो जाए। तो हुण इहदे विच पीसी हुई चीनी पा देवांगे। इत्थे मैं गैस की फ्लेम बंद कर दिती है। तो गैस की फ्लेम बंद करके इहदे विच आपां चीनी का पाउडर पाउणा है। तो चंगी तरह मिक्स कर लवेंगे।
बुरा खंड मैं चंगी तरह इतने खोए नाल बेसन नाल मिक्स कर लिया, एक सार कर लिया है। बहुत वधिया तरीके ना सारा कुछ मिक्स हो गया है, तुसीं देख सकते हो। हुण एक बार आपां इहनूं चैक करांगे कि पिन्नियां जिहड़ियां बनाउण वास्ते अपना मिक्सर तैयार है कि नहीं। एक बार आपां इस तरीके नाल हथ नाल देखांगे, तुसीं देख सकते हो आसे पासे घिओ लगना शुरू हो गया है। इहदा मतलब अपनियां पिन्नियां बनाउण वास्ते इह बिल्कुल मिक्सर तैयार है। हुण कढ़ाई नूं गैस तों उतार के साइड ते रख लवांगे। मिक्सर हल्का जहा ठंडा हो गया है, हुण आपां इहदियां पिन्नियां बना लवांगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करांगे, हल्का गर्म है, तो हुण इहदियां पिन्नियां बनावांगे। तुसीं अपने हिसाब नाल इहदियां पिन्नियां बना सकते हो, वड्डियां छोटियां जिस तरह तुहानूं पसंद होण तुसीं बना सकते हो। इस तरीके नाल मीडियम दे साइज़ दीआं पिन्नियां मैं बनाईआं, तुसीं देख सकते हो किन्नियां खूबसूरत लग रहीआं हन। ते सारीआं पिन्नियां आपां इसे तरीके नाल बना के रख लवांगे। हुण सर्दी शुरू हो गई है, तो हुण पिन्नियां बननियां हर घर विच शुरू हो गईआं। तुसीं इह वाले पिन्नियां जरूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनदीआं हन। सर्दी दे मौसम विच पिन्नियां बिल्कुल ख़राब नहीं हुंदीआं, बहुत ही टेस्टी पिन्नियां बनीआं हन। इन्हां पिन्नियां नूं तुसीं किसी भी एयरटाइट कंटेनर दे विच पा के रख सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं हुंदीआं ते महीना भर इसे तरह ही रहणगीआं। तुसीं इन्हां पिन्नियां नूं दुध नाल चाह नाल इंजॉय कर सकते हो, बच्चे ते वड्डे सारे बहुत ही खुश होकर खाणगे। बहुत ही टेस्टी पिन्नियां बन के तैयार हुईआं हन। खोए दीआं बेसन वालीआं पिन्नियां बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुईआं, बहुत ही मज़ेदार बनियां हन। तुहानूं मेरी अज दी इह रैसिपी किस तरह लगी मैनूं कॉमेंट्स विच जरूर दसना। तो मेरे चैनल यम तड़का पंजाबी कुकिंग नूं जो सबसक्राइब करना, तो फिर मिलते हैं किसी इस तरह होर टेस्टी ते डिलीशियस रैसिपी दे नाल। ते उदों तक लई सति श्री अकाल।